नमस्कार मित्रों, सादर जय श्री कृष्णा। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन दबावें, फिर आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी दबावें, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप पाते रहेंगे। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति कब मनाएं। कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को दिया गया है। वैसे हमारे मालवा के पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व काल है। तो इस विषय में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे मित्रों। इससे पहले इससे जुड़ी कुछ खास बातें भी हम जान लें। मित्रों, मकर संक्रांति भारत के खास त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है और इस दिन से सूर्य उत्तरायण होता है और परंपराओं में ऐसी मान्यता है कि इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद इस दिन बांटा जाता है। यह त्यौहार प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और खेती से जुड़ा हुआ है। इन्हीं तीन चीज़ों को जीवन का आधार भी माना जाता है और प्रकृति के कारक के तौर पर इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य की स्थिति के अनुसार ऋतुओं में इस दिन बदलाव होता है और धरती अनाज पैदा करती है। अनाज से जीव समुदाय का भरण पोषण होता रहता है। मित्रों, लगभग 80 साल पहले संक्रांति 12 या 13 जनवरी को पड़ती थी, जैसा कि उन दिनों के पंचांग बताते थे, लेकिन अब अनय चलन के कारण 13-14 जनवरी को पड़ती है। 2017 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई गई थी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और खर मास भी समाप्त हो जाता है। खर मास के समाप्त होते ही शादी जैसे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं और खर मास में कोई मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मित्रों, इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2018 से आरंभ होगा। इसका पुण्यकाल रहेगा 15 जनवरी 2018 को। मकर संक्रांति का विशेष पुण्यकाल 14 जनवरी 2018 को रात 8:08 से 15 जनवरी 2018 को दिन के 12 बजे तक रहेगा। साल 2018 विक्रम संवत 2074 में मकर संक्रांति का वाहन माहिष और उपवाहन ऊंट रहेगा और इस साल संक्रांति काले वस्त्र, मृग चर्म की कैंचुकी धारण किए हुए, नीले आंख के फूलों की माला पहने हुए, नील मणि के आभूषण धारण किए हुए और हाथ में तोमर आयुध लिए हुए, दही का भक्षण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। तो मित्रों, विशेष रूप से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्वकाल मनाया जाएगा। अब इसका महत्व भी जान लीजिए मित्रों। यदि शास्त्रों की माने तो दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप, तन, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्यों का खास महत्व है और ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना बढ़कर फिर मिल जाता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल आदि का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, ऐसी हमारी धर्मशास्त्रों में मान्यता है। और इस दिन मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, इसलिए इस दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। गर्मी का मौसम आरंभ हो जाता है। दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी अधिक होती है और रात छोटी होने से अंधकार कम होता है। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। तो मित्रों, यह थी मकर संक्रांति के पर्व काल की जानकारी। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अपने सभी मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।